नमस्ते, मैं हूं पाल रोहतगी। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट द वीडियो जो सोनू निगम जी ने शेयर किया है ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ना, सोनू निगम बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, मगर उनको उनके टैलेंट के हिसाब से इतना फेम और इतना क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ये मैं हरदम सोचती थी कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। अब मुझे समझ पड़ा कि सोनू निगम वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ, मगर उन्होंने अपनी स्थिरता नहीं खोई। एंड दैट इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। सोनू निगम का एक वीडियो है जहां पर वो कह रहे हैं कि भूषण कुमार जी ऑब्वियसली म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। भूषण कुमार इज फ्रॉम टी सीरीज, वो टी सीरीज के ओनर है। उनके ब्रदर गुलशन कुमार जी का निधन हो गया था बिकॉज ऑफ सम अंडरवर्ल्ड यू नो डील गोइंग रॉन्ग। तो भूषण कुमार जी को कॉल आउट किया है सोनू निगम जी ने। एंड आई एम रियली रियली शॉक्ड इनका ये वीडियो सुनकर, क्योंकि ये वीडियो के अंदर सोनू निगम ने कहा है कि कैसे भूषण कुमार वॉज स्कैर्ड ऑफ अबू सलीम। अबू सलीम इज ऑल्सो एन अंडरवर्ल्ड डॉन जो आज की तारीख में इंडियन जेल में है। एंड सोनू निगम ने ये भी कहा है कि भूषण कुमार कैसे उनको बैक कर रहे थे एक वीडियो करने के लिए, एक वीडियो में गाना गाने के लिए। नाउ भूषण कुमार के चरित्र के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं एंड साथ साथ में एक नाम लिया है मनीरा कुंवर का, जो एक यू नो उभरती हुई एक्ट्रेस है या उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। क्योंकि उनका भी मैंने वीडियो देखा जहां पर वो भूषण कुमार के ऊपर आरोप लगा रही है कि कैसे जब वो एक म्यूजिक वीडियो के लिए भूषण कुमार के ऑफिस गई तो भूषण कुमार ने ड्रामा किया, उनको बाहर मिलने के लिए कहा और बाहर वो उनको एक स्विफ्ट गाड़ी में मिलने के लिए गए जिस गाड़ी के अंदर काले कांच थे। नाउ स्विफ्ट इज अ वेरी स्मॉल कार कंपेयर टू द नेम एंड द मनी दैट टी सीरीज हैज। तो ऑब्वियसली ये वो गलत काम करने के लिए ये सब कर रहे थे। एंड उन्होंने उस लड़की को एक फ्लैट में लेके गए और लड़की ने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि मैं उस फ्लैट में गई और वो फ्लैट भूषण कुमार का था। तो समवेयर कोई लड़की इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकती इफ शी डज नॉट हैव प्रूफ अबाउट इट। तो भूषण कुमार, अगर आप सच भी हैं तो आप लड़कियों को अपने ऑफिस की बजाय ऐसे फ्लैट में क्यों मिलते हैं? बिकॉज आपकी बीवी ऑब्वियसली आपके सपोर्ट में आई है, दिव्या खोसला कुमार जो एक फिल्म ओल्ड एक्ट्रेस थी जब आपने उनके साथ शादी कर ली। नाउ मे बी शी डजंट वॉन्ट टू बिलीव इन योर फ्लर्टेशियस नेचर बिकॉज आई थिंक बहुत सारी और लड़कियों ने भी आपके ऊपर मी टू के दौरान आरोप लगाए थे फॉर बिहेविंग बैडली। मगर ये मनीरा कुंवर का वीडियो तो सोनू निगम ने भी सपोर्ट किया है एंड सोनू निगम डजंट नीड टू लाई एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर, बिकॉज ये पॉइंट ऑफ हिज करियर में ना तो उनको काम चाहिए ना तो वो जॉबलेस है, वो अपने स्पेस में सिक्योर है। और उन्होंने अगर ये बोला है तो ये सच होगा। मनीरा कुंवर ने कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। सो दिस इज वेरी सैड दैट आपके हस्बैंड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड टू अ प्रिटी वुमन लाइक यू दिव्या खोसला कुमार, यू आर वेरी प्रिटी आई एग्री, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड टू यू एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ किड, ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन द नेम ऑफ हिज ब्रांड। तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर हस्बैंड कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली सोनू निगम पे अटैक कर रही हैं। तो दिव्या खोसला कुमार, यू कैन बी द नेक्स्ट सोनम कपूर डम as hell, but ये obviously आपके husband के sexual experiences और sexual endeavors को छुपा नहीं सकता because social media का जमाना है। अगर कोई newspaper या television channel इसके ऊपर पहले बात नहीं करता था, अब social media के जमाने में लोग बात करेंगे over things which are wrong। So भूषण कुमार जी, आप टी सीरीज के मालिक हैं एंड आप ये सब करते हैं, शॉकिंग बट वेल दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। मीटू के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने साजिद खान से लेके सब पे आरोप लगाया था और ये लड़कियां स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस थी, उभरती हुई एक्ट्रेसेस थी, अपकमिंग एक्ट्रेसेस थी। तो आप लोग ऐसा करते हैं टू काइंड ऑफ सेटिस्फाई योर सेक्सुअल लस्ट, दिखाता है कि आप लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं, गिरे हुए मर्द हैं और कुछ तो मैरिड लोग हैं, क्योंकि ये मैरिड लोग ऑब्वियसली अपनी सॉप स्टोरीज देते हैं कि कैसे उनकी बीवियां उनके बारे में केयर नहीं करती। ये सॉप स्टोरी मुझे दिबाकर ने भी दी थी, सो आई नो अबाउट दिस। एंड ये सुनकर तो मुझे और ज्यादा हंसी आती है कि दिव्या खोसला कुमार, यू आर जस्ट अ डमी वाइफ, सैड बट दैट इज योर कर्मा, जस्ट लाइक सोनम कपूर टॉक्स अबाउट कर्मा।
एंड मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सोनू निगम जी को मेरा समर्थन है, मेरा सपोर्ट है, बिकॉज आई फील दैट ही डजंट नीड टू लाई एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर. ना तो वो जॉबलेस है, ना तो वो डेस्परेट है. एंड अगर उनसे सुपरस्टार्स गाना गवाते हैं और फिर उनका गाना किसी और से डब करवाते हैं, तो ये वो सुपरस्टार की बेवकूफी है. बिकॉज आप लोग समझते हैं कि आप लोग इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे, तो वो जमाना गया. आज के टाइम पे ओनली टैलेंट विल सर्वाइव. ये मैं कह रही हूँ सभी आउटसाइडर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि No outsider deserves to die the way Sushant Singh Rajput died. Sushant Singh Rajput का निधन suicide से हुआ या murder से हुआ, मुझे लगता है कि किसी ने उनका murder किया, मगर जो भी कारण था, he was driven up the wall. And ये जो nepotism की debate हमने शुरू करी है, I really hope कि we can stick to it, क्योंकि हम लोग obviously एक news को तब तक उछालते हैं जब तक हमें उस news पे से TRP मिलती है. कल कोई दूसरी news आएगी तो हम media वाले या हम television actors या हम film actors उसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमें ऑब्वियसली किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना फायदा देखना है. सो हम सबका अगर थोड़ा बहुत भी जमीर है, तो हम सुशांत की आत्मा के लिए ये आवाज दबने नहीं देंगे. दिस इज आई थिंक वन वे ऑफ गिविंग ट्रिब्यूट टू हिम, दैट मैन हु केम फ्रॉम आउटसाइड एंड बिकेम अ सक्सेसफुल ए ग्रेट बॉलीवुड स्टार, मगर ऑब्वियसली उसकी जर्नी खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि बॉलीवुड के अंदर गुंडागर्दी होती है. सो सोनू निगम का ये वीडियो आप सब देखिए, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा है, ऑब्वियसली ये खुलासा उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किया है. एंड टाइम्स ऑफ इंडिया हैज ट्राइड टू पब्लिश अ वन साइड स्टोरी. टाइम्स ऑफ इंडिया एक अच्छा न्यूज़पेपर है. टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर मेरे दादा भी थे जब वो जिंदा थे, एंड आई बिलीव वो जो टाइम था वो उस समय का टाइम था, क्योंकि आज के समय न्यूज़पेपर्स को भी बाय किया जाता है. मीडिया नेट होता है जहां पर आप आर्टिकल्स देते हैं और अपने बारे में अच्छी अच्छी खबर छपा सकते हैं बाय पेइंग मनी. सोनम कपूर के बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स फिल्म फेयर छापता है और कहता है कि लॉकडाउन के समय वो बहुत दान करती है. तो ये सोनम कपूर का जो दानवीर साइड है, ये दुनिया नहीं देखती मगर फिल्म फेयर को दिखता है. दैट इज कर्टसी द मनी दैट हर फादर pays to film fair, or does this media net tie up? So same media net tie up Times of India mein kiya gaya hoga. I don't know, but I heard that Sonu Nigam called out the hypocrisy of Times of India. So I'm just telling, please, आज के जमाने में एक न्यूज़पेपर और एक चैनल अगर झूठ फैलाएगा तो वो झूठ नहीं फैलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग एक दूसरे से बात करेंगे और सच्चाई बाहर जरूर आएगी. सो अगर भूषण कुमार आपने ऐसा किया है वो लड़की मनीरा कुबर के साथ, तो ये बहुत ज्यादा अश्लील हरकत है. एंड शेम ऑन यू एंड शेम ऑन योर वाइफ दिव्या खोसला कुमार फॉर सपोर्टिंग सच अ डर्टी हस्बैंड, जो आपके होने के बावजूद ये सब हरकतें करता है, बिकॉज ही इज जस्ट अ सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मैन. So Sonu Nigam, support you and more power to you, and I hope you get more work because you are a great singer. Namaste. For more news updates and entertainment videos, please subscribe our channel. For all latest notification, don't forget to press the bell icon.